अगर टारगेट बेस आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका है नहीं, और इससे ज़्यादा आउटकम, इससे ज़्यादा रिवॉर्ड्स और रिजल्ट्स मिलते नहीं कहीं और। इसी वजह से ये शोभा बहुत ज़्यादा कामयाब है। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो आज से आपसे 10 साल पहले जो चीज़ थी, फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए की या 30 लाख रुपए की, आज वो करोड़ रुपए की है। ठीक है, 2 साल से शायद ना इतनी बड़ी हो, लेकिन इतना उसके ऊपर मार्जिन है और इतना वो अप्रिशिएट हुई। जिस तरह ये कपड़ा नीड है, खाना बुनियादी फूड नीड है, अलाज वगैरह और तालीम वगैरह ये बुनियादी जरूरत है, तो इसी तरह हाउसिंग भी नीड है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विन टीवी। रियल स्टेट बुनियादी तौर पे पैसे को पार्क करने के लिए, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए फॉर पर्टिकुलर टाइम एक सबसे बेहतरीन फनोमेना है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, बल्कि दुनिया भर में भी ज़्यादातर लोग रियल स्टेट के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पार्क करते हैं। उनके टारगेट्स होते हैं कि उस पैसे को कितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट करना है और कितने बाद देर बाद उनको वो उसमें से कितना पैसा चाहिए या कितने परसेंट वो ग्रो होना चाहिए। अगर टारगेट बेस आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका है नहीं, और इससे ज़्यादा आउटकम, इससे ज़्यादा रिवॉर्ड्स और रिजल्ट्स मिलते नहीं कहीं और। इसी वजह से ये शोभा बहुत ज़्यादा कामयाब है। वो लोग जो मुलाजम पेशा होते हैं या जिनके पास आमदनी नहीं होती, आमतौर पर वो रियल स्टेट को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, और आमतौर पर वो समझते हैं रियल स्टेट प्लॉट ही है। ठीक है, अगर प्लॉट की हद तक भी समझ तो फिर भी ठीक ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो रियल स्टेट है वो प्लॉट से भी पिछली कहानी है। वो फार्म को रियल स्टेट समझ लेते लोग, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, तो वो फार्म को रियल स्टेट समझते हैं। हालांकि प्लॉट कम से कम रियल स्टेट है जो कि डेवलप प्लॉट हो, यानी कि वो ज़मीन बहुत ज़्यादा है, वो कोई रियल स्टेट नहीं है, वो सारा स्पेकुलेशन है, वो सारा बेचने वालों के पैसे बनते हैं। मैं आपको बड़ी क्लियरली बताता हूँ, और पिछले कई सालों से हम बता रहे हैं कि जो फार्म बेचने वाले हैं उनके पैसे बनते हैं, या जो फार्म निकाल रहे हैं उनके पैसे बनते हैं, या हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं उनके पैसे बनते हैं। ये सारा पैसा इनके यहाँ बट जाता है और आपको कुछ नहीं मिलना होता। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रक के बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं, लाखों में लोग हैं, और उनके फार्म जो है वो डीवैल्यू हो चुका हुआ है, और वो समझते हैं कि हमारा ये हो गया। तो लोग आमतौर पर रियल स्टेट को ये समझते हैं। रियल स्टेट इससे बहुत बियॉन्ड है। दुनिया रियल स्टेट को समझना है तो दुबई को देखिए, दुबई के अंदर रियल स्टेट क्या है। बुनियादी तौर पे रियल स्टेट है कि ऐसा असासा कि जो वैल्यूएबल हो, जो रेंटल भी पे करे और प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी उसके ऊपर बहुत अच्छा हो, और जब चाहें आप उसको रीसेल कर सकें, यानी लिक्विडेट करके किसी और शेप में अपने पैसे को आप लेके जा सकें। ये सारा जो है वो रियल स्टेट है। अच्छा, पिछले कुछ साल, डेढ़ साल, 2 सालों से जो प्लॉट्स की कीमतें हैं उसमें बहुत नीचे गई हैं। ठीक है ना, और जब कीमतें रेडी प्लॉट एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट जब कीमतें नीचे जाएं, तो वो टाइम होता है कि उस वक्त अगर आप प्रॉपर्टी में जंप इन करके या ख़रीद लें, होल्ड कर लें, और आपकी कैपेसिटी होल्ड करने की, तो जो एग्जिस्ट करती हुई चीज़ है उसकी वैल्यू में कई गुना इजाफा हो जाता है। ये डेफिनेट होता है रियल स्टेट में। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो आज से आपसे 10 साल पहले जो चीज़ थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 लाख रुपए की या 30 लाख रुपए की, आज वो करोड़ रुपए की है। ठीक है, 2 साल से शायद ना इतनी बड़ी हो, लेकिन इतना उसके ऊपर मार्जिन है और इतना वो अप्रिशिएट हुई है। आप कहेंगे कि ये अप्रिसिएशन कैसे होती है रियल स्टेट में, तो अप्रिसिएशन रियल स्टेट में इस तरह होती है। पहली बात अप्रिसिएशन के लिए कि लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन हो, क्योंकि ये हाउसिंग जो है वो बेसिक नीड है लोगों की। जिस तरह ये कपड़ा नीड है, खाना बुनियादी फूड नीड है, अलाज वगैरह और तालीम वगैरह ये बुनियादी ज़रूरत है, तो इसी तरह हाउसिंग भी नीड है। ठीक है ना, मैं अपने ऑफिस में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, और ये जो प्रॉपर्टी है, रेंटल प्रॉपर्टी है, रेंटल प्रॉपर्टी का जिसकी भी है उसको इसका रेंट मिलता है। मैं इससे बिज़नेस करता हूँ यहाँ, और इस तरह जो भी बिज़नेसमैन बैठता है वो काम करता है, उससे वो अर्न करता है, और उसमें एक छोटी सी अमाउंट जो है वो रेंट की शक्ल में पे करता है, और दोनों को फ़ायदा है। तो सो रियल स्टेट जो है वो बुनियादी तौर पे इसलिए लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए लोग ज़्यादा इसकी तरफ आते हैं। दुनिया भर में ये फिनोमेना कामयाब है, इवन न्यूयॉर्क में, इवन यूके, कनाडा, एवरीवेयर, जहाँ भी आप जाएंगे
तो आपको वहाँ पे घर मिलेंगे, फ्लैट्स मिलेंगे, अपार्टमेंट शॉप्स मिलेंगी और उनकी बहुत एक्सपेंसिव होंगी कीमतें, और लोगों ने अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और वो पैसा उनका ग्रो करता है। तो रियल इस्टेट हमेशा उन लोगों के लिए ज़्यादा फिजिबल, ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा चार्मिंग होता है कि जिन लोगों के इन्वेस्टमेंट के गोल्स होते हैं और वो सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी जगह कि जहाँ उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर हो, जहाँ एप्रिसिएशन हो, जहाँ लोकेशन अच्छी हो, जहाँ पे कल को लोग वहाँ लोगों का ट्रेंड हो, इस जगह के ऊपर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा रहता है। अब आखिर में ये बात कर लेते हैं कि कितना पैसा रियल एस्टेट में चाहिए होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट करे, और कितना, देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन टू स्टार्ट विद आपको चाहिए कि थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ एक एक्सपीरियंस लें, एक्सपोजर लें, और उसके तहत जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आपको रिटर्न समझ आएंगी, कैलकुलेशंस पता लगेंगे कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, साल में दो साल में इतना हो गया, तो फिर आप इस तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएं, फिर और पैसा इन्वेस्ट करें और जितना मर्जी आप कमाएं। तो अगर जिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है वो कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि देखें, जब आप प्लान कर लेते हैं ना कि मैंने रियल एस्टेट ख़रीदना है, मैंने एक अपना घर ख़रीदना है, या मैंने अपनी शॉप ऑफिस ख़रीदना है, या मैंने कोई अपार्टमेंट ख़रीदना है, कुछ भी, पहले तो रिक्वायरमेंट देखें कि आपने क्या ख़रीदना है, या आपने कितने की चीज़ ख़रीदनी है। अब उसके लिए कोई डाउन पेमेंट के लिए आपको कोशिश करनी होगी कि यानी 25% 30% डाउन पेमेंट है जो कि आपने लेना है, जमा करना है, और वो आपने उससे ऑनरशिप में चले जाएंगे। फिर 6-7% जो है वो आपका क्वार्टरली एक इंस्टॉलमेंट बनेगी जो कि आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये जो जिनके पास पैसे नहीं है ना, जब वो ये प्लान कर लेंगे कि हमने ये करना है, या हमारी ये रिक्वायरमेंट है, या हम जो है ना ने भी रियल एस्टेट ओन करनी है, जितनी जल्दी वो प्लान करेंगे ऑटोमेटिकली उनके पास पैसा आ जाएगा। इस काम में कुछ खुसूसी खुदा की करम नवाजी है, वैसे हर काम में अल्लाह की करम नवाजी होती है, जो इंसान सोचता है, क्योंकि जो ख्याल आपका होता है ना वो चीज़ों में बदलता है, ठीक है ना, वो रियल एस्टेट में बदलता है, गाड़ी में बदलता है, घर में बदलता है, यानी जो ख्याल होता है आपका, और ख्यालात के लिए बेहद ज़रूरी है कि हल्का अहबाब पे तवज्जो दीजिए, या आपको ख्यालात, जब आप ऐसी जगहों पे बैठेंगे तो बुरे ख्यालात हैं, नाकाम लोगों के साथ बैठने के नाकाम ख्यालात, अच्छे लोगों के साथ बैठने के अच्छे ख्यालात। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी इन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि आपका बेसिकली आई ओपनर हो, आपके जहन के अंदर जो है ना वो कॉन्स्टेंट चेंज लाती रहे, तो ताकि आपके सोचने के अंदाज बदले, इससे आपको रियल एस्टेट के मालिक बनेंगे। आज जो भी लोग आपको अरबपति नज़र आते हैं, खरबपति नज़र आते हैं, बहुत बड़ा उनके पास रियल एस्टेट है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में पिछले 30 ईयर से हूँ और रियल एस्टेट में तकरीबन 15-18 साल से हूँ, इन लोगों के पास भी कोई पैसा नहीं था, ये लोग भी ऐसे ही थे, बट इन्होंने इरादा किया, कोशिश की, तहिया किया, चीज़ें बदलती गईं, आज बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत बिजनेस एम्पायर हैं रियल एस्टेट में भी, और अदरवाइज उनकी होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ये ओवर द ईयर्स हुआ। इसीलिए जब भी जितनी जल्दी हो आप इसके लिए प्लान कीजिए कि आपको क्या ख़रीदना है और कब ख़रीदना है, उसकी डेट नोट कीजिए, इसको गोल बनाइए, हदफ बनाइए, इसकी तरफ आगे बढ़िए, और हर रोज़ उसके ऊपर काम कीजिए कि क्या क्या आप उस पर कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। पैसे ना होने के होने का जो सबसे बुनियादी रास्ता होता है वो ये है कि मल्टीपल इनकम में जाएं। अगर एक आमदनी है, निज़ाम चल रहा है, एक और आमदनी साथ आनी चाहिए ताकि आपका पैसा बढ़ना शुरू, और शुरू में आमदनी छोटी होती है, सेकेंड इनकम छोटी सी होती है, बाद में वो ग्रो करके बड़ी हो जाती है और फिर सो ऑन, और आप उसमें ज़्यादा कमा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर आप की जो भी रिक्वायरमेंट हो हमसे शेयर कीजिए, जो भी आप सोचते हैं, कोई कमेंट हो, अगर आप अदरवाइज़ कोई असेसमेंट लेना चाहते हैं या कोई मशवरा चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर हमें वॉइस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें वॉइस मैसेज भेज दीजिए, उसको इंशाअल्लाह हम आंसर करेंगे, या आपकी कोई तजवीज़ है, लंबी बात है तो उसको उससे भेज देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हम भी आपको आंसर कर सकेंगे, और आपका नाम लिए बगैर उसकी वीडियो बना देंगे कि सो दैट उस वो मसला काफ़ी सारे लोगों का मसला भी हो सकता है, ताकि इससे हमारा एक लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है उसमें लोगों का फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।